हेलो, स्वागत है आपका कैड कैम सी आई लर्निंग सोल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी आई लर्निंग सोल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। नाउ इस लेक्चर में हम लोग मॉडिफाई टूल बार के नेक्स्ट फोर टूल्स कवर करेंगे, चेंज स्पेस, लेंथन, एडिट हैच एंड एडिट एरे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडिफाई टूल बार का जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे एक एरो होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी है। ओके, अब इसमें सबसे फर्स्ट टूल आता है सेट टू बाय लेयर, बट अब तक हमने लेयर प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं किया, सो यहाँ से ये टूल आपको समझ नहीं आएगा। ओके, जब हम लोग लेयर प्रॉपर्टीज कवर करेंगे देन ये टूल हम लोग स्टडी करेंगे। सो अब हम लोग इसे स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट टूल रहेगा चेंज स्पेस। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मूव ऑब्जेक्ट बिटवीन मॉडल स्पेस एंड पेपर स्पेस। आप नीचे देख सकते हो मॉडल लेआउट, यहाँ पे आपका मॉडल एंड पेपर स्पेस होता है, और यहाँ पे आप मॉडल स्पेस ओके किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल एंड देन पेपर स्पेस में भी ये स्विच हो सकता है। ओके, सो पहले तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अगेन न्यू ड्राइंग मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। ओके, अब देखो हमें चेंज स्पेस यूज़ करना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक सिंपल स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने एंड सेकेंड वन फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, अब देखो ये मॉडल स्पेस में है। अगर मुझे पेपर स्पेस में जाना है तो यहाँ पे लेआउट पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये लेआउट में आ जाएगा। ओके, बट अगर मैंने कंसिडर करो लेआउट में यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ किया। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री एंटिटीज़ है। जब आप मॉडल में जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली टू एंटिटीज़ ही है। ओके, सो अगर आप लेआउट में डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हो तो वो यहाँ पे मॉडल में ऐड नहीं होगा। ऑलराइट, सो इसके लिए इन्होंने एक टूल दिया है चेंज स्पेस। ओके, सो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे चाहिए सो यहाँ पे चेंज स्पेस आप कर सकते हो। सिलेक्ट करो चेंज स्पेस, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब देखो यहाँ पे भी ये प्लेन्स एंड देन आपका प्लेन ओरिएंटेशन, ये WCS सब आ जाएगा। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब आप मॉडल स्पेस में जाओगे अब आप देखो यहाँ पे अपने आप ये ऐड हो गया। नाउ अगेन मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सो रेक्टेंगल अब ये जूम आउट हो चुका है, सो यहाँ पे ओके। एंड इसके बाद जब भी आप कोई एंटिटी यहाँ पे ड्रॉ करोगे अपने आप वो मॉडल स्पेस में ऐड हो जाएगा। सो आप एक ही बार चेंज स्पेस करके देन उसके बाद आप मॉडल या लेआउट दोनों टैब में एडिट कर सकते हो। ओके, सो ये स्पेस चेंज करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टूल होगा चेंज स्पेस। अब देखो नेक्स्ट टूल लेंथन फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ओके, जिसका लेंथ मुझे पता नहीं है। ओके, बट मुझे इसका फाइनल लेंथ 200 मिलीमीटर्स चाहिए। अब मेरा यूनिट सिस्टम मिलीमीटर्स में है, सो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लेंथन नेक्स्ट एंटर करके। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफाइड टोटल लेंथ, सो टोटल लेंथ चाहिए मुझे 200 mm, एंटर। एंड देन इस लाइन की लेंथ चाहिए, सो लाइन को सिलेक्ट करो। अब देखो जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, मींस आपके पास किसी भी लेंथ का लाइन हो, अगर आपको उसे पर्टिकुलर लेंथ पे चेंज करना है सो यहाँ से आप लेंथन सिलेक्ट कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल फिर से देखो एक लाइन लिया मैंने लेंथन, पहले तो आपको एंटर करके यहाँ पे डिस्टेंस देना है। अब मैंने 150 दिया एंड बाद में आपको वो लाइन सेलेक्ट करना है एंड एंटर, अपने आप इसका लेंथ 150 हो जाएगा। ओके, सो ऐसे आप इसका लेंथन टूल का यूज़ कर सकते हो। अब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एडिट पॉलीलाइन एंड एडिट स्प्लाइन। उसके पहले यहाँ पे दो टूल है एडिट हैच एंड एडिट एरे। ओके, अब देखो हैचिंग हमने ड्रॉ टूल बार के जो लेक्चर्स थे इसमें हैच पैटर्न कवर किया है। ओके, सो अगर मुझे हैच ऐड करना है सो हैच इस पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो हैचिंग ऐड हो रहा है एंड क्लोज। अब अगर मुझे इसे एडिट करना है मैं डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ से भी इसे एडिट कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे इन्होंने मॉडिफाई टूल बार में सेपरेटली टूल दिया है एडिट हैच। अगर आपको यहाँ से करना है सिलेक्ट करो, हैच सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट आप यहाँ से जो भी आपको पैटर्न चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लेक्स चाहिए, डॉट्स चाहिए, जो पैटर्न आपको चाहिए यहाँ पे ओके कर दो, वो पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगेन क्लिक करके उसे यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, उसका स्पेसिंग होगा, कलर होगा, ऑल ये चेंज हो सकता है। ओके, सिमिलरली अब देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड किया। अब मैं पहले तो एरे क्रिएट कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर एरे से एंड क्लोज एरे। अब आपको पता है आप डायरेक्टली इस पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है। ओके, बट अगेन मॉडिफाई में एक सेपरेट ऑप्शन दिया है इन्होंने एडिट एरे। अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया, एरे सिलेक्ट किया,
अब देखो आपके माउस पे ही यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा, जो ऑप्शंस आप यहाँ पे विंडो में देखते हो टॉप में, यहाँ पे सेम माउस पे ऑप्शंस आ रहा है। मींस फॉर एग्जांपल मुझे बेस पॉइंट चेंज करना है, सो बेस पॉइंट सिलेक्ट किया। अब देखो मैंने ये बेस पॉइंट यहाँ पे लिया इसका। नेक्स्ट मुझे नंबर ऑफ रोज चेंज करना है, सो नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए 5, एंटर। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 5 हो जाएंगे। ओके इसका डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस दे सकते हो या फिर एंटर कर सकते हो आप। अगेन इंक्रीमेंट नहीं करना, मुझे 0 ही चाहिए। ऑल राइट सो ऐसे लेवल्स, कॉलम, रोज, बेस पॉइंट, ये सब आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। और बेटर रहेगा इस ऑप्शन से, बेटर डायरेक्टली आप एरे पे क्लिक भी करोगे, आप देख सकते हो ये ऑल ऑप्शंस यहाँ पे है आपको। ओके सो सिंपल आप यहाँ से कमांड से स्टार्ट करके भी इसे एडिट कर सकते हो। ओके नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एडिट पॉलीलाइन एंड एडिट स्प्लाइन ऑप्शन से वो कवर करेंगे।